क्या फिर से वही होंगी गी? कौन सी फिल्म छोड़ी भाईजान ने? क्या इंडिया की मुन्नी की कहानी है सच? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट श्रीशा। दोस्तों, आज कई दिनों बाद एक नई खबर मीडिया में आई जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। आप भी सुनना चाहोगे? भाईजान की मोस्ट लव फिल्म बजरंगी भाईजान 2 भी जल्द ही मल्टी स्क्रीन पर आने वाली है। आप सभी को बजरंगी भाईजान की फिल्म का सेल्फी सॉन्ग तो जरूर याद होगा। अरे आजकल तो उसका ट्रेंड भी है, हर कोई इसका दीवाना है। बस लोकेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कोई भी तैयार हो जाता है अपनी सेल्फी के लिए। ऐसा ही कुछ इस सॉन्ग में भाईजान करते हुए नजर आए थे। हम सभी को यह सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था और ऑडियंस में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सॉन्ग दोबारा से रिवाइंड रीमिक्स होकर सभी के सामने मूवी के नेक्स्ट पार्ट में प्ले हो। लेकिन देखते हैं मेकर्स ऑडियंस की यह तमन्ना पूरी करेंगे या फिर इससे भी बेहतर गीत इस मूवी में लॉन्च करेंगे, जिसे सुनकर ऑडियंस बेहद खुश हो जाएगी। दोस्तों, फिल्म के इस गाने के सिंगर थे बादशाह और प्रीतम। वह इस बार देखना मजेदार होगा कि फिल्म के गीत में कौन भागीदार होगा। क्या पहले से बेहतर होंगे सॉन्ग्स? जानने के लिए फिल्म देखना ना भूलिएगा। आप सभी को पता है भाईजान ने यह फिल्म करने के लिए, मतलब इस फिल्म का पहला भाग में एक्टिंग करने के लिए, नो एंट्री के सीक्वल में काम करने के लिए मना कर दिया था। जी हाँ, सुनने में आया था कि भाईजान ने इस फिल्म की डेट्स बजरंगी भाईजान को दे दी थी। आपको बता दें, जब इंडिया में फिल्म की कहानी बन रही थी तब जैसे की फिल्म में दिखाया जा रहा था वैसे ही सेम बॉर्डर पार दूसरी कंट्री में भी हो रहा था। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग के दौरान और फिल्म की रिलीज के बाद भी पाकिस्तान में एक ऐसी ही घटना हो रही थी जहां गीता नाम की एक लड़की, जो भारतीय थी और बोल नहीं सकती थी, उसी स्थिति का सामना कर रही थी जैसा मुन्नी कर रही थी। और उसे पवन बनकर एक पाकिस्तानी परोपकारी अंसार बर्नी ने गीता को भारत में उसके परिवार के साथ फिर से मिलाने में मदद की। तो इससे यह तो कन्फर्म होता है कि आज भी हमारे देश और बॉर्डर पार के लोगों में दूसरों की मदद करने का जुनून है। अच्छा, आप लोग बताओ कि अगर आपके साथ ऐसा कभी हो तो क्या आप दूसरों की मदद करोगे या उसे देखकर अनदेखा छोड़ दोगे? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आप सलमान की अपकमिंग मूवी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।